नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है नक्सलवाद, समाधान और सियासत। बस्तर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के 3 दिन पहले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांकेर के कल्पर में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने 29 नक्सली मार गिराए हैं। वहीं भाजपा सरकार आने के बाद लगातार हो रही नक्सली घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर संदेह जताया है। इसके बाद नक्सली माओवादी समस्या के समाधान को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांकेर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कल्पर में मिले इनपुट के आधार पर बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों की घेराबंदी की। इसके बाद हुई मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद जवानों ने 29 नक्सलियों के शव के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इनमें AK-47, इंसास कार्बाइन, 303 राइफल सहित लगभग 15 हथियार जब्त किया है। नक्सली इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें माओवादियों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मारे गए माओवादियों में टॉप कमांडरों में से शंकर राव और ललिता भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 का रायपुर में इलाज चल रहा है। कांकेर नक्सली मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ अभियान भाजपा की सरकार ने चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद अभियान में और गति आई है। 2014 से ही बस्तर में कैंप लगना शुरू किया था। 3 महीने में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। 125 नक्सली अरेस्ट हुए और 150 ने सरेंडर भी किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह ऐतिहासिक सफलता है। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमारे जवानों की सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा करता हूं। हमारी नीतियों की वजह से सफलता मिली है। हमने नक्सल उन्मूलन की जो नीति बनाई वह सफल थी। हमारी नीति से नक्सली काफी अंदर तक सिमट चुके हैं। वहीं नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने संदेह जताया। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, बताया जाता है। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान शहीद होते रहे, लेकिन हमारे शासन काल में हुआ ये है कि नक्सली की मांग में घुस कर उसे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ। मैं अभी इतना जल्दी आज कुछ बात कह पाऊँ, लेकिन यह कि इस मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आना चाहिए कि 29 के 29 जो मुठभेड़ में मारे गए, क्या ये पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं है, ये सरकार को इस पर करना है। वही कांग्रेस द्वारा एनकाउंटर में संदेह जताने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, भूपेश बघेल को अपने बयान पर जवानों से माफी मांगना चाहिए। माओवादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नक्सलियों से मारे जाने की बात कबूली है। ऐसे में भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यजनक है। अगर यह माफी नहीं मांगते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार का दावा है कि जल्द ही वे नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाया है कि सरकार नक्सलियों के आड़ में निर्दोष ग्रामीणों को डरा धमका और मार रहे हैं। अब देखना होगा कि सालों से पुलिस और नक्सलियों के बीच पिस रहे बस्तर के आम आदिवासियों को इससे आखिर कब निजात मिलेगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।
रिपोर्ट देखी आपने और अब इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्ण बेट जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का चर्चा में बहुत ही स्वागत है। सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर जी के पास चलेंगे। धनंजय जी, सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी की आप लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए तो कांग्रेस संदेह क्यों जता रही है? के जवानों पर पुलिस कर्मियों के कामों पर कभी संदेह रखने किया है। हमारे कांग्रेस के देश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सेना के द्वारा जवानों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि जवानों ने बहुत बड़े नक्सली मूवमेंट का उसको रोकने का काम किया है। नक्सली लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, नक्सली संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए थे, तो निश्चित तौर सामने सामने तो सेना के और पुलिस के जवान उनकी तारीफ करने का काम किया है। किसी ने किसी प्रकार को संदेह रख नहीं किया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्षता नहीं है मोदी जी के जी। सुंदरानी जी क्या कुछ कहेंगे आप? सुंदरानी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सुंदरानी जी, कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के बयान पर संदेह जताया है, उनका कहना कि वकील जो वाकई नक्सली हैं या फिर जो निर्दोष आदिवासी हैं तो नहीं। हमारे साथ कौशल स्वर्ण बेट जी जुड़े हैं। कौशल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तब से मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो वहां पे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे डीआरजी के जवान हो, चाहे पुलिस के जवान हो, इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। निश्चित तौर पर ये तारीफ करने वाली बात है। यदि इस तरह की घटना हुई और माओवादियों को पीछे धकेलने में और पुलिस के जवानों को इसमें सफलता मिली तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इससे पुलिस के वहां पर जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे नक्सल जो क्षेत्र है, जंगल का जो इलाका है, काफी बीहड़ इलाका है, वहां पर आप देखेंगे कि जवानों को चलना कितना मुश्किल होता है। जिस तरह कल घटना हुई, यदि पहाड़ी पर चढ़कर जवानों ने नक्सलियों को मारा है तो ये काफी सराहनीय काम है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नक्सलवाद के कारण विकास काफी अवरुद्ध होता है। यदि आप लगातार देखेंगे तो वहां पर स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई जगह पे ऐसी जहां पे सड़कें नहीं पहुंची, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दूरस्थ अंचल में, ऐसे दूर नक्सल एरिया में यदि इस तरह की चीजें होती, यदि नक्सलियों को पीछे ढकेलने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह की घटना होती और इस तरह के प्रयास पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों द्वारा किया जाता, मुझे लगता है काफी सराहनीय प्रयास है। और इस तरह की चीजें लगातार आप देखेंगे, वहां पर काफी संख्या में कैंप लगाए गए हैं, वहां पर जो जवान है वो लगातार सर्चिंग करते हैं, और कल जो रात को घटना हुई वो इसी तरह की सर्चिंग का परिणाम है। जो छोटा सा इनपुट मिला था उसके बाद जो जवान है वो सर्चिंग पर निकले थे और पहले फायरिंग माओवादियों को सीखी गई जिस तरह की सूचना आई है, लेकिन आप देखेंगे हर बार माओवादी भारी पड़ते थे जब ऊपर से पहाड़ी या ऐसी क्षेत्रों से जब वो गोलीबारी करते थे, हर बार माओवादी भारी पड़ते थे, लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल है और उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है उसी का परिणाम है कि ऊपर से पहाड़ी से गोलीबारी करने के बाद भी हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला और लगभग 29 नक्सलियों को अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली इतनी बड़ी। ठीक है, सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री के बयान पर जो कांग्रेस ने संदेह जताया है, दीपक बैज ने, उनका कहना है कि वाकई ये नक्सली हैं या ग्रामीण आदि जो निर्दोष आदिवासी हैं, ये कि मानसिकता का खोखलापन का प्रमाण है। हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमारे जवान अपनी जान पे कीमत लगाकर कहीं न कहीं नक्सलियों को गोली का निशाना बना रहे हैं, और सरकार दृढ़ निश्चय है 3 साल के अंदर लाल आतंक को बस्तर से समाप्त करना। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सरगुजा में पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त हुआ, अभी विष्णु देव साय जी की सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार का पूरा समर्थन सरकार को है और दृढ़ता से हमारे जवान लड़ रहे हैं। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस पे संदेह करके।
बिल्कुल धनंजय जी, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए संदेह करके, और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी राज में नक्सलियों पर लगाम लगी है, बीजेपी सरकार बनने के बाद अभियान में और गति आई है और 3 महीनों में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 25 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान इस बात का सबूत है सरकार ने नक्सल मामले पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को मदद करने में कमी किया है, ये इस बात का प्रमाण है। और उसके बावजूद आप देखेंगे भूपेश बघेल जी की सरकार जब विश्वास विकास और सुरक्षा के हेतु पर काम किया, हमारी सरकार ने जो जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस प्रदेश में 80% नक्सली घटनाओं में कमी आती है, चाहे जवानों की शहादत हो या आम जनता की जो मुठभेड़ में जो मौतें होती थी उसमें कमी आई है, नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर किए। आज अगर अमित शाह जी कहते हैं कि उनके सरकार का उपलब्धि, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि भारत देश के भीतर में छत्तीसगढ़ है और गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि उनके सरकार का हुआ, तो भाई जनता सरकार में आप हो, बस्तर में नक्सलियों के पास देखिए पोपी टेवर आता है जो विदेश से आकर मिलता है, बस्तर में नक्सलियों के पास एलजीएम हथियार जो विदेश से आकर मिलता है, तो बीमा पार के हथियार देश छत्तीसगढ़ के भीतर कैसे आए। और ये स्पष्ट है कि नक्सल मोर्चे में जो सपोर्ट कांग्रेस की सरकार को मिलना चाहिए था नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया, उसके बावजूद कांग्रेस सरकार एक बेहतर नक्सल नीति का काम कर रही थी छत्तीसगढ़ में। यही केंद्रीय गृह मंत्री है जिनके विभाग ने कांग्रेस सरकार के दौरान कोंडागांव जिला को 80% नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ ये दलदल भाव में काम कर रहे थे और हमारे नेता पूरी कांग्रेस पार्टी जवानों के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी नेता को शर्म आनी चाहिए। लेकिन धनंजय जी धनंजय जी छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार जब किसी मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं, मारे गए हैं, तो क्या कांग्रेस को सवाल उठाना मतलब सही है, सही समझते हैं इसे? कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई सवाल नहीं उठाया है। दीपक बैज ने कहा है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, आपने बयान सुना होगा दोनों दिग्गज नेताओं का। मैंने कहा निश्चित तौर पर जो नक्सलियों को खदेड़ा गया है, नक्सलियों को दूर किया गया है, जवानों के द्वारा काबिले तारीफ है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तो फिर सवाल किस, जब धनंजय जी जब आप काबिले तारीफ बता रहे हैं तो फिर जो आपके दोनों दिग्गज नेता हैं वो सवाल किस पर उठा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि माफी मांगना चाहिए, माफी को नरेंद्र मोदी को मांगना चाहिए कि उनके 10 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लिए कोई काम नहीं किया गया। माफी तो अमित शाह जी को मांगना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल मोर्चे पर इनकी सरकार ने भी वहां राजनीतिक भावना साथ मदद नहीं करने का काम किया है। माफी इन दोनों को मांगना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री रहते, इनके गृह मंत्री रहते, विदेश का हथियार छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास पहुंच जाता है, जो देश में डंका बजने की बात करते हैं, इंडिया में डंका बजने की बात करते हैं, वो सीमा पर सुरक्षा नहीं दे पा रहे। हमारे तो छत्तीसगढ़ के पुलिस, छत्तीसगढ़ के जवान और सबसे गर्व है जो नक्सलियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए हमारे जो जवान है उनके सौरता को अपना सिरे बताते हैं। तो 10 साल से क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, 5 साल से पिता जी क्या कर रहे थे, क्यों मदद नहीं थे, इंतजामी को देना चाहिए और प्रदेश इनको माफी मांगना चाहिए, इनको धर्म से बात करके काम करना चाहिए। ठीक है ठीक है कौशल जी, अब इस पूरे मामले में सियासत जो है वो शुरू हो गई है, दोनों जो पार्टी है श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सही है? एक बड़ी सफलता मिली है जवानों को, दोनों सभी पार्टियों को प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन अब श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो नक्सलवाद है लगातार पिछले आप 24 सालों से देखेंगे तो राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जब भी कोई घटना होती है तो इस तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि 29 जो नक्सली है उनके शव बरामद किए गए हैं, यदि ये मुठभेड़ फर्जी होता तो ग्रामीणों की ओर से ये आवाज आप बुलंद हो जाती कि जो गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको मारा गया है। विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक पत्र दिखाया जो माओवादियों को जारी किया, जिसमें माओवादी स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं उनके जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। तो कहीं के मुझे ऐसा लगता है कि यदि फर्जी मुठभेड़ होता या फर्जी शहादत होती किसी नक्सली को, जो नक्सली कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये
अभी तक मामला बाहर आ जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मारे गए हैं ये नक्सली हैं, ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि 100 बरामद किए गए हैं, हथियार बरामद किए गए हैं और माओवादियों की चिट्ठी भी जारी है। बिल्कुल, 50 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही है, फिर भी कांग्रेस का सवाल इस तरह की चीजों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि जवान वहां पर काम कर रहे हैं तो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, ताकि जवानों का मनोबल बढ़े और जो नक्सली वहां पर भय, हिंसा और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं वो पीछे जाए और कहीं कहीं इससे विकास का रास्ता खुलेगा और वो जो बस्तर का जो अभूतमार और जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सुंदरानी जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी का ये कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला, तब केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला। देखिए कविता जी, कितना गलत बयानबाजी कर रहे हैं धनंजय ठाकुर जी। स्वयं अमित शाह जी रायपुर आकर दो तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रायपुर में बैठक करके नक्सलवाद को समाप्त करने की बात की, पूरा सहयोग देने की बात की और पूरा सहयोग दिया भी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के प्रति हमेशा लचीला रुख रहा, नरम रुख रहा और समझौतावादी रुख रहा। क्यों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक थी कि निश्चित रूप से चाहे वो गोली के इस पे आ जाए शांति करे या बातचीत से शांति करे, दोनों स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार रहती है। हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रदेश के गृह मंत्री जी ने तो उनको आमंत्रित भी किया था, आइए टेबल पे बैठ के बात करते हैं। बात करने को तैयार नहीं हुए तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। और लगातार आप देखिए 3-4 महीने में जो भी बड़े हार्डकोर नक्सली थे सब मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, 80 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं 3-4 महीने में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मकसद में कामयाब हो रही, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति दिलाकर शांति स्थापित करके विकास के रास्ते खोलेगी। ये धनंजय ठाकुर और कांग्रेस के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस प्रकार पुलवामा हमले के समय में भी इनकी मति भ्रष्ट हो गई थी और ये सबूत मांगते थे, आज भी ये उसी कगार पे खड़े हैं आके। बिल्कुल धनंजय जी, सबूत की आप लोग बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी आप लोगों ने सवाल उठाया था, तो जो माओवादी संगठन है उन्होंने अपने पत्रों में बोला है, लिखा है कि 50 नक्सली हमारे मारे गए। देखिए मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के किसी ने सवाल नहीं उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुंदरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ना मति भ्रम हो गया, इनको शर्म नहीं आती बोलने में। इस देश में 370 किलोग्राम विदेश से बारूद आ जाते हैं और इनके गृह मंत्री और इनके प्रधानमंत्री को याद नहीं रहता। धनंजय जी अगर मैंने ठीक से सुना होगा तो शायद दीपक बैजी ने कहा है, संदेह की बात कही उन्होंने, अगर मैंने ठीक से सुना होगा दीपक बैजी के बयान को। या तो आप सवाल से सवाल पूछने की मैं जवाब दे दूंगा, ऐसे बोलते बोलते आप कहेंगे अगर आपको कहीं दीपक बैजी और मुख्यमंत्री जी ने धने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़े किए भूपेश बघेल जी, सुंदरानी जी सुन लीजिए, धनंजय जी को बुराई को बता रहा हूँ तो आपको डर लग रहा होगा सुनने में, तो मैं नहीं बोलूंगा। धनंजय जी आप मुझे बोल रहे हैं मुझे सुनने में डर लग रहा है, धनंजय जी आपके पास बोलने के लिए है क्या जो आप बोल रहे हैं? सुंदरानी जी रुक जाइए, धनंजय जी आप मुझे बोल रहे हैं मुझे सुनने में डर लग रहा है, सुंदरानी जी आप मुझे बोल रहे हैं मुझे सुनने में डर लग रहा है, नहीं क्योंकि कांग्रेस को प्रशंसा करनी चाहिए, आप बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी हमने सवाल नहीं उठाए, दीपक बैजी ने कहा है संदेह है, मुझे क्यों डर लगेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। आप धनंजय जी आप मेरे साथ इतने सारे डिबेट में बैठे हैं, 50 से 60 डिबेट में आप बैठे होंगे, कभी आपको लगा होगा कि मैंने आपको रोका या मुझे सुनने में डर लगा है? मेरा कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद इतनी बड़ी सफलता मिली है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? मनोबल बढ़ाइए, जवानों का मनोबल बढ़ाइए ना, जवानों का मनोबल बढ़ाइए, फिर आप लोग कहते हैं कि पत्रकारों को डर लगता है, पत्रकारों को किसी से डर नहीं लगता है। ठीक है दीजिए जवाब, ठीक है जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ शर्म नहीं आती, नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर सीमा पार से 370 किलोग्राम आदेश जाकर हमारे जवानों को शहादत हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ शर्म नहीं आती।
इनके सरकार के रहते सीमा पार एक 47 राशन नक्सलियों का आ जाता है, एलईडी राशन आ जाता है, इन भाजपा को शर्म नहीं आती। इनके गृह मंत्री नक्सलियों को वापस ले मंदिर करते घुटने कितने तगड़े काम किया है। हमने हमारी सरकार के रहते नक्सलवाद खत्म करने काम किया है और मेरा पूरा दावा है। आप अमित शाह जी का बयान सुन लीजिए, जिस प्रकार से गृह मंत्री बयान दे रहे हैं ना, ये गैर जिम्मेदार बयान है। आप अमित शाह के किस बयान की बात कर रहे हैं धनंजय जी? आप अमित शाह के किस बयान की बात कर रहे हैं? अमित शाह जी का बयान सुनिए कि हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद खत्म हो रहा है, मतलब पीते उन्होंने कहा है। सुनिए सुनिए, मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए, आप दोनों सुन लीजिए, आप दोनों सुन लीजिए। सुंदरानी जी, उन्होंने ये कहा है कि मोदी राज में नक्सलियों में लगाम लगी है, बीजेपी सरकार बनने के बाद अभियान में और गति आई है, गति आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभियान में और गति आई है। तो धनंजय जी, छत्तीसगढ़ राज्य, धनंजय जी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद इतनी बड़ी जो है कामयाबी, 29 जो नक्सली मारे गए हैं, जो है वही तो उन्होंने कहा ना, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद इतनी बड़ी संख्या में 29 नक्सली मारे गए हैं, जो हुआ वही उन्होंने बोला, गति आई है। कविता जी या धनंजय ठाकुर नहीं मानने वाले, ये जवानों पे भी संदेह करते हैं, ये सरकार पे भी संदेह करते हैं, इसीलिए तो कांग्रेस की बुरी हालत हो रही देश में। पुलिस के जवानों का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, पुलिस के सेना के जवानों का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, और जब तीन लोग अस्कर करे आपके साथ हम लोगों को लगता है, जब नक्सलियों का श्रेय 47 मिलता है, हथियार मिलता है, विदेश मिल भी कर इनके लिए जवाब में उन्हें जवाब नहीं निकलता। जनता की सरकार का कौन है यहाँ पे? नक्सलियों का ट्रोल आ जाता है विदेश का, नक्सलियों के पास हथियार मिलता है विदेश का, नक्सलियों के पास रेंजी मिलता है, तो सीमा पार से कैसे हथियार क्योंकि अंदर में ठीक है। स्वर्णबेर जी क्या कुछ कहेंगे आप? कविता जी निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती है इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, मुझे लगता है राजनीति से बढ़कर इस पर भाग लेना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी को एकजुटता दिखानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नक्सलवाद और माओवाद एक ऐसी समस्या है जो बस्तर क्षेत्र को लगातार डस रही है और वहां के विकास को रोक रही है। वहां के जो बच्चे, वहां के जो युवा, वहां के जो नौजवान बाहर आकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर आकर लिखना चाहते हैं, जो दूर माड़ अबूझ माड़ के अंदर के गाँव में रहते हैं, उन तक यदि विकास पहुंचाने की बात हो रही है, नक्सलियों को पीछे ढकेलने की बात हो रही है और माओवादी जो हमले करते हैं उनको यदि मार गिराने की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी को एकजुट होकर जवानों के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, यदि इस तरह की घटनाओं में यदि सब साथ मिलकर काम करेंगे, एकजुटता के साथ काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद का सफाया किया जा सकता है। क्योंकि देखेंगे पिछले कई सालों से बस्तर जल रहा है, सुलग रहा है, और जो पर्यटन का सबसे खूबसूरत स्पॉट हो सकता है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सिर्फ नक्सलवाद के कारण। मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों को यदि पीछे ढकेलने के लिए कोई सरकार काम करे तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल, छोटा सा कमेंट सुंदरानी जी, फिर धनंजय जी के पास जाऊंगी, छोटा सा कमेंट क्योंकि समय का अभाव है, छोटा सा कमेंट। नहीं, निश्चित रूप से मैं कौशल जी की बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि पुलवामा जैसी घटना पे भी इस प्रकार की इन्होंने राजनीति करके पूरे कांग्रेस का सत्यानाश पूरे देश में कर दिया। अब आप देखिएगा, ये जिस प्रकार नक्सलवाद की इतनी बड़ी घटना जो मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी घटना हुई है जिसमें 50 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, ये माओवादी खुद कबूल कर रहे हैं, कांग्रेस कबूल नहीं कर रही है। जनता में इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता में इनकी साख गिरेगी, जनता के प्रति ये जवाबदारी है ही नहीं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां खोज रहे हैं। इसमें जवानों के मनोबल को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, शर्मनाक काम कर रही है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, शर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, देखिए निश्चित तौर पर 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 10 साल में सीमा पार से वारसती घटनाएं देश में बड़ी है, आईडीएस पहुंच जाता है, विदेश हथियार पहुंच जाता है, नक्सली पर ड्रोन पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार सीमा पार से आने वाले हथियार को देने नाकाम है। छत्तीसगढ़ पुलिस और जवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आज अमित शाह जी के बयान भी स्पष्ट हो गया है कि 5 वर्षों में कहीं ना कहीं नक्सली मोर्चे पर राज्य सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने खुला मन से नहीं किया है, और आज जब जवान नक्सलियों को मार गिरा है तो श्रेय लेने के सामने आए हैं, इनको तो बताना चाहिए कि नक्सलियों के पास एक 47 एजेंसी कैसे आता है, इस देश में आगे कैसे पहुंच जाता है, और सिख इसके लिए होती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार होती है।
ठीक है, समय का अभाव है, यहीं पर रोकना पड़ेगा डिबेट को। सुंदरानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, कौशल फणवीर जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के सुरक्षाकर्मियों को एक बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद पहली बार 29 नक्सलियों को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है। तो बात छत्तीसगढ़ की, इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।